आज की ये वीडियो रीजनिंग से संबंधित है। आज का प्रश्न ब्लड रिलेशन से संबंधित है। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज वीडियोज लार्ज यस मैथ रीजनिंग संबंधित वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है एक्स और वाई भाई हैं। एक्स और वाई जो है आपस में भाई हैं, तो मतलब एक्स का भाई वाई हो गया और वाई का भाई एक्स हो गया। ठीक, तो इसका मतलब एक्स और वाई आपस में भाई हैं। फिर आगे कह रहा है जेड और ए बहन हैं। ठीक, जेड की बहन ए है और ए की बहन जेड है। ठीक, फिर आगे प्रश्न कह रहा है एक्स का पुत्र ए का भाई है। जो एक्स का पुत्र है कह रहा है ए का भाई है, ए ये है ना, ए का भाई है। ध्यान दीजिएगा, ए का ये भाई है, ठीक, और एक्स का ये पुत्र है। कौन है? एक्स का पुत्र, ये पुत्र है एक्स का। ठीक, और प्रश्न कह रहा है कि जो एक्स का पुत्र है वो ए का भाई लगता है। अच्छा ये बताओ कि ये एक्स का पुत्र है और एक्स के पुत्र का ए जो है भाई लगता है, तो इसका मतलब एक्स की ए कौन हुई? पुत्री हुई ना, हुई कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि भाई ये भाई है ना पुत्र, तो ये भाई है तो इनका ये पुत्री होगी, तभी तो ये आपस में भाई बहन हुए। तो ए बहन हुई, ये भाई, तो भाई बहन हो गए ए और इसका एक्स का पुत्र, तो ये भाई बहन हो गए। तो ये बताओ यहाँ पर पूछा गया है कि वाई का जेड से क्या संबंध है, तो ये जो वाई है जेड का क्या संबंध है? अच्छा ये बताओ ए और जेड दोनों बहन हैं और एक्स का पुत्र जो है ए का भाई है, तो जेड का भी भाई होगा। होगा क्लियर? जेड का भी भाई होगा, तो ये दोनों आपस में बहने हैं, तो इसका मतलब ये जो एक्स है ये कौन हुए? पिता। ए और जेड के एक्स कौन हुए? पिता। ठीक, तो पिता के जो भाई हैं जेड के क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे ना, चाचा लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बस यहीं पर, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।